नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कोरोना की वजह से इस लुक के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मारुति विटारा ब्रेजा के साथ में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट सेम है, लेकिन आपको मालूम होगा दोस्तों कि अब मारुति डीजल इंजन बिल्कुल नहीं बनाती हैं। इसके लिए इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों के केवल पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे और दोनों की प्राइसिंग में 28,000 रुपये का अच्छा खासा प्राइस गैप भी है। यहाँ पर यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है दोस्तों कि दोनों ही गाड़ियों में जो प्राइस गैप है उसके साथ साथ इस सेगमेंट में आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है सब 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का आज की डेट में इंडिया का सबसे हॉट कार सेलिंग सेगमेंट है और हर एक कंपनी कम से कम अपनी एक गाड़ी इस सेगमेंट में बेचना चाहती है, जिसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आपको मालूम तो होगा ही, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस सेगमेंट के ऑप्शंस को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ी बेहतर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस वीडियो की वजह से। यहाँ पर हम दोनों ही गाड़ियों के कॉमन फीचर्स के साथ साथ एक दूसरे में ना मिलने वाले फीचर्स को लेकर और बाकी सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर सेक्शन के पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद में वीडियो के अंत से पहले मैं दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप सही फैसला कर पाएंगे कि आपको विटारा ब्रेजा लेनी चाहिए या फिर फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। क्या आपको लगता है कि मारुति की विटारा ब्रेजा बिल्ड क्वालिटी के मामले में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स से ज़्यादा बेहतर है? इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में जितना गैप है, यानी कि 28,000 रुपये, क्या वो आपको मजबूर कर सकता है कि आप फोर्ड की इको स्पोर्ट्स लेना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ब्रेजा सच में इको स्पोर्ट्स से सुपीरियर कार है, क्योंकि ये हमेशा इस सेगमेंट को लीड करते आई है और टॉप 10 में शामिल होते आई है? या फिर आपको ऐसे लगता है कि इको स्पोर्ट्स ही बेहतर है, जिसने 2013 में ये सेगमेंट की शुरुआत की थी? दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय का हमेशा मुझे इंतजार रहता है, तो आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में या फिर सेगमेंट के बारे में, तो इस वीडियो को हमारे साथ में आखिर तक देखिएगा। हम जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियां लगभग सेम हैं। दोनों के डायमेंशंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि विड्थ के मामले में मारुति की विटारा ब्रेजा फोर्ड की इको स्पोर्ट से 25 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में। तो आपको मालूम होगा कि दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। जहां तक ब्रेजा की बात है, ये आपको 105 पीएस की पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है लगभग 4400 आरपीएम पर। वहीं इको स्पोर्ट्स में आपको जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है वो 122 पीएस की पावर जनरेट करता है 6500 आरपीएम पर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 आरपीएम पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर इको स्पोर्ट्स क्लियर विनर साबित होती है, क्योंकि विटारा ब्रेजा का इंजन कम पावर प्रोड्यूस करता है और कम टॉर्क जनरेट करता है। आगे बढ़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं, बात करते हैं।
दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर एक नज़र डालते हैं, जिसे जानकर हमें यह अंदाज़ा हो पाएगा कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक विटारा ब्रेज़ा की बात है, इसका वज़न है 1125 किलोग्राम से लेकर 1140 किलोग्राम तक। वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स का वज़न है दोस्तों 1188 किलोग्राम से लेकर 1309 किलोग्राम तक। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर इको स्पोर्ट्स बाजी मार ले जाती है, लेकिन हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि NCAP क्रैश टेस्ट में मारुति की विटारा ब्रेज़ा 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है। इसके बावजूद मुझे ये लगता है, या फिर मुझे आप बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि इको स्पोर्ट्स की बिल्ड क्वालिटी ब्रेज़ा से ज़्यादा यानी कि कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, और अगर NCAP क्रैश टेस्ट होता है तो फोर्ड की इको स्पोर्ट्स भी 5-स्टार की रेटिंग लाने की काबिलियत रखती है। आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। आगे मुड़ते हैं और बात करते हैं टर्निंग रेडियस पर। तो जहां पर ब्रेज़ा में आपको मिलता है 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं इको स्पोर्ट्स में आपको मिलेगा 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो विटारा ब्रेज़ा आपको मिलती है 48 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में, वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स आपको आएगी 52 लीटर फ्यूल टैंक के साथ में। जहां तक फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है, तो हमेशा की तरह लगे हाथों हम दोनों ही गाड़ियों के माइलेज की बात कर लेते हैं। तो जहां फोर्ड की इको स्पोर्ट्स आपको केवल 15 KMPL का माइलेज ऑफर करती है, वहीं आपको मारुति ऑफर करेगी 18.76 KMPL का माइलेज। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहां ब्रेज़ा में आपको केवल 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको मिलेगा 350 लीटर का बूट स्पेस। फोर्ड इको स्पोर्ट्स यहाँ भी बेहतर साबित होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द व्हील्स। तो जहाँ तक अलॉयज की बात है, दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि दोनों गाड़ियों में सेम है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सेप्ट फ्यूल इकोनॉमी, बाकी सभी चीज़ों पर और पहलुओं पर अब तक की वीडियो में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स हमेशा बेहतर और क्लियर विनर साबित हुई है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की हम बात करें, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की। और सबसे पहला फीचर जो दोनों गाड़ियों में कॉमन आता है, वो है दोस्तों प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। उसके बाद में आता है LED DRLs, ऑटो हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स आपको मिलते हैं। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स आपको मिल जाती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर स्पॉइलर देखने को मिल जाता है। ड्यूअल टोन कलर स्कीम के ऑप्शंस आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिल जाएगा आपको। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको डे नाइट IRVM, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर, कूल ग्लव बॉक्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जहां तक म्यूजिक सिस्टम की बात है, तो मारुति ब्रेज़ा में आपको केवल 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, वहीं इको स्पोर्ट्स में आपको 9 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, AM/FM, USB, ऑक्सन, ये सारी चीज़ें ब्लूटूथ के साथ में आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स के साथ में आपको मिल जाएंगी। रियर व्यू कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती है। साथ ही में रियर वाइपर एंड वॉशर का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। मिनिमम ड्यूअल एयरबैग, ABS एंड ABD एंड हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये वो 25 फीचर्स थे दोस्तों जो दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमन मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि मारुति की विटारा ब्रेज़ा में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में, जो फीचर्स आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। जहां तक मेरी राय है दोस्तों, लगभग मारुति की ब्रेज़ा में जितने फीचर्स मिलते हैं, वो सारे फीचर्स और उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स आपको इको स्पोर्ट्स में मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो आपको विटारा ब्रेज़ा में मिलेगा लेकिन वो इको स्पोर्ट्स में नहीं है। छोटे मोटे फीचर्स अगर छोड़कर आपके जहन में कोई ऐसा बड़ा फीचर आपको नज़र आता है, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में, जो आपको मारुति की विटारा ब्रेज़ा में नहीं मिलेगा, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो सारे फीचर्स क्या हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो आपको इको स्पोर्ट्स में सनरूफ देखने को मिल जाता है। पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको इको स्पोर्ट्स पेडल शिफ्टर के साथ में आती है। इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएंगे,
और 6 एयरबैग सेफ्टी के फीचर में आपको इको स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये वो 6 फीचर्स थे जो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, लेकिन ये मारुति की विटारा ब्रेजा में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर आपको विटारा ब्रेजा केवल 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है, वहीं इको स्पोर्ट्स इससे कहीं बेहतर 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर करती है, विच इज़ मच एंड एब्सोल्युटली बेटर देन विटारा ब्रेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि है प्राइस गैप। शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूँगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं और हर एक कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हुए हैं। आपके शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग जानने के लिए आपको आपके नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। जहाँ तक ब्रेजा का टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट की बात है, जो कि है ZXI प्लस ऑटोमेटिक, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको ये मिलता है 11,15,000 रुपये में। वहीं इको स्पोर्ट्स का पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में टिटेनियम प्लस आपको मिलेगा 11,43,000 रुपीज़ तक का, जो कि ब्रेजा से लगभग 28,000 रुपये महंगा है। अब अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन की बात करें तो जहां तक इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इको स्पोर्ट्स क्लियर विनर है, जो हमें बेहतर बिल्ड क्वालिटी, बेटर सेफ्टी, बेटर फीचर्स, बेटर इंजन एंड पावर परफॉर्मेंस, बेटर रिफाइनमेंट, बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर कंफर्ट, बेटर बूट स्पेस, बेटर वारंटी के साथ में आती है। साथ ही साथ जो 28,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्राइस इको स्पोर्ट्स लेके आती है, उसमें वो हमें सनरूफ, पेडल शिफ्टर्स, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स ऑफर करती है, जो कि आपको ब्रेजा में नहीं मिलते। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं अपने लिए इको स्पोर्ट्स ही डेफिनेटली लेना पसंद करूंगा। आपने क्या चुना अपने लिए, ये आपकी राय है, तो अभी आपको तय करना है दोस्तों कि आप क्या लेना चाहते हैं। आपने दोनों गाड़ियों में से क्या चुना, इस राय का मुझे डेफिनेटली इंतजार रहेगा, जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे लिए जरूर शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आज की इस फाइट में कौन जीता? आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।